उपस्थित समस्त गुरुजनों और मित्रगण, हेलो। तो शिक्षा का देश के निर्माण में हमारा योगदान क्या है और उसकी क्या भूमिका निर्धारण करने का जो लक्ष्य है, एक निरंतर टॉपिक है जिसपे लगातार चर्चा होने की जरूरत है। ये एक दिन के उसमें संभव नहीं है हर एक बिंदुओं पर इसको पकड़ने की। शिक्षा और एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हमारे देश में शुरू से 47 के बाद से कम तो जब हम लोग आज़ाद हुए तब से बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन, पहला तो मापदंड है कि देश निर्माण के लिए आप प्राइमरी एजुकेशन में कितना फोकस करते हैं। उस प्राइमरी एजुकेशन में एक बच्चे के मॉरल इथिकल वैल्यूज को उस समय निर्माण करना जब संभव हो पाता है वो वही स्टेज होता है जब करते हैं हम लोग, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन हमारे देश में इग्नोर किया जाता रहा है, जिसकी हम लोग आज उसको देख पा रहे हैं अपने सामने। हम सुनते अपनी माँ से सुनते थे कि जब इलाहाबाद में ये एलटी कॉलेज से उन्होंने एलटी किया था तब बताती थी कि कोई फॉरेन से आए थे डेलीगेट, वो बता रहे थे कि इलाहाबाद में जब ये एलटी में जब पता लगा कि टीचरों को इतनी कम तनख्वाह मिलती तो बोली कि प्राइमरी में यह हालत है, हम लोग यहाँ तो प्राइमरी में बच्चों में टीचर्स को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, ज़्यादा उनको पैसा दिया जाता है क्योंकि वो राष्ट्र के निर्माण में काम आता है। बाद में उसको हायर एजुकेशन में जाके उस लायक टीचर्स को प्रोफेसर्स को उस ग्रेड में लाते हैं, मिडिल एजुकेशन में उनको उतना नहीं महत्वपूर्ण है जितना प्राइमरी में। तो हमारा ये कहना है कि इस देश को प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे को हम लोग को राष्ट्र निर्माण के लिए वो सबसे ज़्यादा आगे आएंगे तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।